वेलकम टू माय चैनल निधिस मैजिक किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कोरमा, वो भी प्रेशर कुकर में। आप चाहे तो इसे कढ़ाई, पैन या किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन, जिसको मैंने अच्छे से धोने के बाद इसमें बड़े बड़े कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला अच्छे से चिकन के अंदर चले जाए। 10 से 12 जिंजर जूलियन, 4-5 हरी मिर्च स्लिट करी हुई, खड़े मसाले, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल, दालचीनी और तेज़पत्ता। एक छोटी कटोरी मैंने देसी घी यूज़ किया है इसमें। 2.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 3 चम्मच खसखस, 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 3 बड़ी प्याज फाइनली स्लाइस करी हुई, 1 कटोरी दही, 10 से 12 काजू और बादाम, जिसको मैंने पहले से ही भिगोकर रखा है, 1 चम्मच केवड़ा वाटर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1.5 चम्मच देगी मिर्च। सबसे पहले हम खसखस और डेसिकेटेड कोकोनट को अच्छे से भून लेंगे। मैंने सबसे पहले तवे पे खसखस डाली है, इसको मैंने हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। हमें सिर्फ हल्का सा ही कलर चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, हम इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक कुकर लिया है, इसमें मैं रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाए अच्छे से, मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन होने देना है। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं डेसिकेटेड कोकोनट, खसखस, अनियन, दही, काजू, बादाम सबका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और आपके पास अगर डेसिकेटेड कोकोनट भी नहीं है तो आप इसके जगह सूखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। आप सूखा नारियल को घिस लें और उसको तवे पे ऐसे ही भून लें जैसे मैंने भुना है। अब मैंने जार में खसखस और डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, यानी कि नारियल का बुरादा। अब मैं इसे प्याज ऐड कर दूंगी, काजू बादाम जो मैंने पहले भिगो के रखे थे, 1/2 कटोरी दही। अभी मैं 1/2 कटोरी डाल रही हूँ, धीरे धीरे करके हम सारी दही एक साथ डालकर फिर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। खसखस को पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको ज़्यादा देर के लिए मिक्सी में चलाएं आप। देखिए हमारा एक फाइन, एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर रेडी है। अब मैं वही कुकर यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने अनियन फ्राई करी है। इसमें मैं अब देसी घी ऐड कर रही हूँ। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप कोरमा बनाएं, कोरमा में घी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, तो मैंने 1/2 घी और 1/2 रिफाइंड यूज़ किया है। अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर इसका अब चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। नमक,
और सारे मसाले। अब मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो मैंने बना के रखा है। अब इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 10 मिनट के लिए हम ढककर भुनने देंगे। हमें तब तक भुनना है जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। मसाला हमारा काफी हद तक भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करा है। अब मैं कुकर बंद करके इसमें 1 सीटी लगा लूंगी। 1 सीटी लगने के बाद आप गैस बंद कर दें और कुकर को खोल लें। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी थिक चाहिए तो आप खोलकर भी थोड़ा सा पका सकती हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच केवड़ा ऐड कर रही हूँ। चिकन कोरमा बनकर हमारा एकदम रेडी है, जो बहुत ही मज़ेदार बना है। आप लोग भी मेरी रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं इसे गार्निश कर रही हूँ कुछ हरी मिर्च, जिंजर जूलियन, हरा धनिया और काजू से। ऐसी और डिलीशियस सी रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरी सारी रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।